नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपको रेलवे के पेपर्स करा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत सारे एग्जाम्स को किस तरह से टैकल करना है आप सीखेंगे। तो मैथ्स के आज जो हम लोग पेपर करने वाले हैं, 13 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स का, मैं आपको सारे सवाल कराने वाला हूँ। चलिए सीखते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, इस सवाल में एक पाई चार्ट दिया है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत डाटा दिया है। इसमें लिखा है संस्थान वन में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 45 है। संस्थान वन कहने का मतलब पहला वाला, ये 25%, ये जो 45 है ये 25% का वैल्यू दिया हुआ है। 45 जो है ये 25% का वैल्यू है, 45 जो है 25% का वैल्यू है, तो 1% का निकालने के लिए भाग दे दिए हैं। और हमसे पूछा गया है संस्थान चार में, तो संस्थान चार कौन सा है, सेकंड लास्ट ये वाला 10%, तो 10% का वैल्यू क्या होगा उसके लिए गुना कर दिया। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18। ठीक है। इस सवाल में देखिए लिखा है 10% के रेट से 5 साल में इतना ऋण चुकाना है, आपको किस्त देना है। किस्त का सिंपल फॉर्मूला होता है, कभी भी अगर SI का किस्त आए तो इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा P × 100, प्रिंसिपल जो है ऊपर, P × 100 अपॉन 100 × T, T मतलब टाइम, प्लस RT 10 × 50 और T-1 यानी 4/2। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर देख लीजिए कितना आता है, 2 × 4 और 50 का 2 × 100, 500 और 100 मिला के 600, और 600 जब काटिएगा 0 0 और ये 1600। तो इस तरीके से आप बहुत सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करके सिंपल इंटरेस्ट का किस्त निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल में देखते हैं हम लोग क्या है। इस तरीके से आप सवाल बनाइएगा तो एग्जाम में आप बहुत जल्दी पेपर टाइमली कर पाइएगा। देखिए इसमें दिया है कि 8 + 4√2 और इतने का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती के लिए आपको रूट अंडर लगाना पड़ेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ध्यान देंगे 4 कॉमन है, 2 + √2 आएगा, और यहाँ पे 3 कॉमन है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2 − √2। अब इसे आपको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। तो 4 से बाहर क्या आएगा, 4 का बाहर आ जाएगा 2, बाकी रूट अंडर 3 बाहर नहीं आ पाएगा। और इसको अगर ध्यान दीजिएगा तो a + b गुना a - b है, a² - b² 2 का स्क्वायर 4 में से 2 घटेगा तो 2, और 3 ऑलरेडी है तो 2 × 3 = 6। इस तरीके से इसका आंसर कितना होगा, 2√6। सवालों को इसी टेक्निक से आप जल्दी बना सकते हैं। एग्जाम अगर क्रैक करना है तो आपको समय का बहुत ध्यान रखना होगा। देखिए इस सवाल में दिया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 80 है। यहाँ एक पॉइंट दिया है कि 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना इतना है। सबसे पहले समझिए कि अगर योगफल 80 है और दो लोगों का है तो 8 साल बाद दोनों लोग 8-8 साल बढ़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा 16 और हो जाएंगे कितने, 96। और ये देखिए जुड़ के यूनिट कितना हो रहा है, 7 5 12 और 1 1 2 3 32। 32 यूनिट का वैल्यू 96 है। 32 यूनिट का वैल्यू अगर 96 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3। 32 यूनिट का वैल्यू अगर 96 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3। और आपसे पूछा किसका, देखिए बी का वर्तमान आयु, पहले तो आप बी का 8 साल बाद का ही आयु निकालिए, तो बी का आयु निकालने के लिए देख रहे हैं 15 यूनिट, तो 15 × 3 = 45। अगर बी की 8 साल बाद आयु 45 है तो वर्तमान में 45 में से आप 8 माइनस कर लीजिए, आंसर कितना हो जाएगा, 37। इस तरीके से ये सवाल आप बहुत छोटा बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल में देखा जाए कि क्या सीखने को मिलेगा। इसमें दिया है कि 15% और 20% का 2 छूट है, और 5 वस्तु खरीदने पर 4 फ्री मिल रहा है, तो इन दोनों को अगर हम एकल छूट में बदलें, मतलब समतुल्य बट्टा बनाएं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सारे ऑप्शन को अगर आप ध्यान दें तो कोई भी एक सॉल्व कर लीजिए। अगर मान लीजिए इसको हम सॉल्व कर लें तो 15 और 20, अगर आपको छूट का परसेंटेज निकालना है तो क्या करना पड़ता है, ए बी रूल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट छूट का परसेंटेज का फॉर्मूला ही लगा लीजिए कि 15 + 20 = 35 - दोनों को गुना करिए 300/103, और 35 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा, 32%। तो 32% एक ही ऑप्शन में है तो आराम से आप इसको मार सकते हैं, जरूरी नहीं कि अगला चेक करें। ठीक है, अगर अगला चेक करना पड़ता तो इसको निकालने का तरीका होता है कि जो फ्री ले गए हैं ऊपर और ओवरऑल 5 4 नीचे गुना कितने से, 100। अगर आपको याद होगा 1/9 को आप लिख सकते हैं 11.11, 4 गुना हो रहा है तो लिख सकते हैं 14.44। लेकिन यहाँ पे इसको जांचने की जरूरत नहीं है क्योंकि चारों ऑप्शन में एक में ही 32 है, तो इस चीज को चेक करने की जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या दिया है, ठीक है, एक वस्तु का क्रयमूल्य इतना है, विक्रयमूल्य इतना है, लाभ का नॉर्मल है, लाभ का परसेंटेज काट लीजिए पहले, 0 0 को जरूरत है नहीं हम लोगों को। 32 से 47 प्रॉफिट कितना हुआ, देखिए 8 7 15 / 32 गुना कितने से, जरा सा कैलकुलेशन है, 4 से हल्का फुल्का काट लीजिएगा, आंसर आपका मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा। अगले सवाल में हम चलते हैं। इस सवाल को देखिए, लिखा है घन का आयतन इतना है। ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको एडवांस का फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद होना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, 512, यानी भुजा कितना हो गया, 8। क्यूब रूट निकालने आपको आना चाहिए और थोड़ा बहुत तो क्यूब आपको याद रखना ही पड़ेगा, कम से कम 30 तक तो याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए विकर्ण का फॉर्मूला, अब घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 × भुजा, साइड कितना है, 8, आंसर हो जाएगा 8√3। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो ऐसे सवालों में कोई परेशानी नहीं आएगा। चलिए हम आगे सवाल देखते हैं। अगले सवाल में देखिए, इस सवाल में दो संख्याओं का अनुपात इतना इतना है। देखिए संख्या जो है, एक है 5x और एक हो जाएगा 7x।
देखिए अगर ऐसे सवालों को बनाना है कि मौसम दिया है, लसा पूछा है या संख्या पूछा हो, तो बेस्ट टेक्निक है आप ये जानिए, इसका जो HCF होता है वो क्या होगा, कॉमन में जो है X, और जो LCM होता है 7 और 5 का LCM कितना होगा, 35, और X बस इतना ही। अब इसमें HCF दिया हुआ है यानी X का मान दिया है कितना 8, और LCM पूछा है, बस आप X का मान यहाँ रख दीजिए, तो 35 गुना आराम से कितना आ जाएगा 200। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा बस ध्यान रखिएगा कि लसा और मसा किस तरह से आप लिख रहे हैं, तो गलत नहीं होगा इसमें। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं हम लोग। इस सवाल में क्या है, इसमें आपको याद रखना होगा जैसे चतुर्भुज का विकर्ण 90 पे कब कटता है, तो बाकी सब में कटता है, बस समानांतर चतुर्भुज जो है यहाँ पे इसमें नहीं कटेगा, वर्ग में कटेगा, पतंग में कटेगा। सम चतुर्भुज डायगोनल 90 पे कटता है, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। रोम्बस में समकोण पर कटता है डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है बाबू, विकर्ण इस चीज को बोला जा रहा है ना, ये चीज ये 90 पे कटता है, 90 डिग्री पे। इसी के बारे में कह रहे हैं कि कौन सा नहीं कटेगा, समानांतर जो है वो कटता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिएगा, ये बहुत आसान सवाल है, मध्य अनुपाती का आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, रूट अंडर ए बी, यानी केवल आपको समझना है कि ये दोनों गुना होंगे और इस पे रूट लग जाएगा, तो 25 का 5, 36 का 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। तो इस तरीके से ये सवाल बहुत आसान बना। चलिए तो आगे के सवालों में हम देखते हैं कि इनमें क्या करना है। इस सवाल में देखिए लिखा है tan² 60 डिग्री प्लस cot² 30, वैल्यू रखने की जरूरत है। आप देखिए अगर आप यहाँ ध्यान दें तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3, और 30 का वैल्यू भी √3 होता है, स्क्वायर कीजिएगा तो 3, और 3 3 मिलाएगा कितना हो जाएगा 6। नीचे ध्यान दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अगर आप ध्यान देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, जबकि ये उल्टा है, तो अगर ये उल्टा है तो क्या होगा -1, बस इसका ध्यान रखिएगा -1। बाकी देखिए बाबू साइन 90 1 होता है, cos 0 1 होता है, और cos² थीटा माइनस cot² थीटा 1 होता है, तो 1 + 1 2 माइनस में है बस, -6 और -2 कितना हो जाएगा माइनस का। अगले सवाल में देखिए क्या करना है, इस सवाल में देखा जाए बाबू 597 × 603, जाहिर सी बात इतना नंबर थोड़ा सा गुना है, जानबूझ के दिया गया है, तो इसमें आप अपना वक्त कैसे बचा सकते हैं देखिएगा। अगर आप ध्यान देते हो 600 से 3 कम है, और ये जो नंबर है वो 600 से 3 ज्यादा है, तो आपको देखना है बस कि a प्लस बी गुना ए माइनस बी, यानी a² - b² 600 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 पे 4 0, और 3 का स्क्वायर 9, केवल माइनस करके आप आंसर मार सकते हैं। अब ये नहीं कि आप लगेगा माइनस कर रहे हैं, आपको ऑप्शन देखते रहना चाहिए कि भाई माइनस करके क्या आएगा, आपको लगता है कि 36 समथिंग में से माइनस करके ये सब नंबर आएगा, कभी भी आप ऑप्शन जरूर देखिए, ये नहीं कि लग फिर के लगे माइनस करने, कभी नहीं, पहले एक बार ऑप्शन देख लीजिए, जितना जरूरत है उतना सॉल्व कीजिए, अपना समय बचाइए, तभी जाके आप मैथ्स और रीजनिंग में पूरा मार्क्स गेन कर पाएंगे, सिलेक्शन लेना आसान हो पाएगा आपके लिए। देखिए इस सवाल में दिया है कि एक वाहन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम की जाती है, तो इसे 1800 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाले समय से 2 घंटे ज्यादा लगेंगे, यानी कहने का मतलब पहले 1800 किलोमीटर जाने में पुराने चाल से हमको नहीं पता कितना चाल है, एस फॉर स्पीड हम मान लेते हैं, एस से जाने में जितना भी समय लगता था, अब अगर आप चाल कम कर देंगे जाहिर सी बात है समय ज्यादा लगेगा, कहीं जाने के लिए अगर स्पीड कम रहेगा तो समय ज्यादा लगेगा, और कितना फर्क मिल रहा है 2 घंटे का। एग्जामिनर यहाँ पूछ रहे हैं आपसे इसके द्वारा उस दूरी को तय करने में सामान्यतः लगने वाला समय कितना है, यानी एग्जामिनर आपसे जानना चाहते हैं कि ये वाला वैल्यू है कितना, ये वाला वैल्यू कितना है, एक्चुअली ये वैल्यू आपसे पूछा गया है, ये वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो ऐसे सवालों में आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ना कि द्विघात समीकरण सॉल्व करना, अगर आप द्विघात सॉल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो बेहतर है कि आप इस बात को समझें कि हम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन कैसे इस्तेमाल होगा ये सीखिए। मान लीजिए हम 10 यूज करते हैं, तो अगर हम बोले कि 1800 / s का मान 10 होगा, तो ये कब होगा, ऐसा कब हो सकता है, इसका वैल्यू 10 कब होगा, जब ये 180 हो, अगर ये 180 होगा तभी तो भाग देने पे 10 आएगा, और ये 180 होगा तो यहाँ पे घटाने पर ये कितना हो जाएगा 170, क्या 170 से पूरा पूरा भाग लगेगा, क्या घटाकर हमारा वैल्यू 2 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो यही चीज सीखना है कि ये बात यहाँ पे वैल्यू ऑप्शन रखने पर नहीं मैच किया, 10 रखने पर नहीं मैच किया, अगर आप ध्यान दें कि 18 रखने पर क्या ये मैच करेगा, सीखिए अगर 18 रखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है इस बात को, कि अगर इसका वैल्यू 18 है, अगर इसका वैल्यू यानी हम मानते हैं कि 18 घंटे लगता है नॉर्मली, तो अगर इसका वैल्यू 18 है तो 18 कब आएगा, जब एस की मान कितना होगा तो 18 आएगा, जब ये 100 होगा तो 18 आएगा, 100 होगा तभी तो काटेंगे तो 18 आएगा, 18 से काट दीजिए 100 आ जाएगा, तो 100 होगा, और 100 से जब 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90, क्या 90 से भाग देने पे कितना आएगा 20, आप देखिए मिला के क्या ये 2 आ गया, हाँ, तो इसीलिए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप अपना वक्त बचा लेंगे, और ये बनता है, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है, आप इसको ट्राई करिए, ये जरूर बनेगा, गारंटी 100% गारंटी, आप ट्राई तो करिए ऑप्शन का। लंबा द्विघात बनाना कहीं भी जायज नहीं है, अल्टीमेटली हम लोग को छोड़ना पड़ जाता है, आप कभी पेपर अटेम्प्ट लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं वो ड्रॉप हो जाएगा क्वेश्चन, तो उससे बेटर है कि हम एक अच्छा टेक्निक सीखें जिससे बनाना पॉसिबल हो। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर बाबू। इस सवाल में देखिए क्या सीखना है, दिया है एक व्यक्ति 5 की 8 से और 6 की 4 से समान दूरी तय करता है, आपसे पूछा है पूरी दूरी की औसत चाल, औसत चाल के लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपको इसमें, हालांकि 3 चालों में आप 2 चाल का फॉर्मूला होता है 2xy/x + y, 3 में भी होता है 3xyz/xy/z, लेकिन बेटर अप्रोच ये है कि 3 का हो, 4 का हो, कितने का भी हो, सबसे बेस्ट रहेगा कि आप LCM ले लीजिए, LCM अप्रोच से बनाइए, LCM वाला सबसे बेस्ट टेक्निक होता है। इसमें क्या है कि 3 के बाद तो फॉर्मूला ही नहीं होता, लेकिन 4 का भी कई बार आता है, 5 का भी आता है, तो LCM सीख लीजिए। देखिए
आठ पंचे 40 हो जाएगा और चाल ये हो जाएगा 120 एलसीएम। 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 24, 8 से 15 20। तो एलसीएम वाले बस सीखना है कि ये दूरी आप 3 बार तय किए हैं तो बस 3 गुना जोड़ लीजिए, 20 10 30 20 50 और 9 59। बहुत सिंपल वे में आपका सवाल हो जाएगा। अब 12 तीन 36, 360 को 59 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा। सिर्फ 6 आएगा तभी मैच कर जाएगा क्योंकि 6 बार में एक ही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ले हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें सीखने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ जोड़ना है। फिर भी अगर हम सिखाएं कि भाई किसी बच्चे से अगर ये नहीं हो रहा तो क्या गलती हो सकता है, तो हो सकता है वो पॉइंट को ठीक से अरेंज ना करता हो, अदरवाइज इस सवाल में गलत होने का कोई स्कोप नहीं है। मान लीजिए अगर हम बोले कि 222.22, फिर दिया है 222.22, फिर दिया है 12, फिर दिया है 0.22 और फिर दिया है 0.02। अगर आप सिर्फ इसको सही ढंग से लिख देंगे, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट अगर ध्यान से देंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। तो बस यही सीख सकते हैं इसमें कि आप पॉइंट को सही से अरेंज करें, बाकी जोड़ने का काम है आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई नॉलेज की बात नहीं है, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। देखिए इस सवाल को दिया है कि एक तिहाई भाग, बाबू एक तिहाई भाग, इसमें दिया है कि एक तिहाई भाग जो है 25 के चाल से, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा है साफ साफ यात्रा का एक तिहाई, यानी हम जो लिख रहे हैं ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो है स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीड को। फिर कह रहे हैं आगे कि एक चौथाई भाग इसके स्पीड से और फिर बचा हुआ भाग, यहाँ के बाद बचा हुआ भाग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भाग हो कितना गया, इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए, 4 3 12, 4 3 7, तो 7/12 भाग ट्रेवल हो गया, बचा कितना, शेष कैसे निकालते हैं, 12 में से 7 घटा दीजिए, 5/12 भाग, और इसको कैसे गए हैं देखिए, शेष को 50 के चाल से आपसे पूछा गया है औसत चाल, ओवरऑल औसत चाल। सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से में आप एलसीएम लेके नॉर्मल कीजिए, इसको आप क्या करिएगा कि रेशियो बराबर कर लीजिए, 12 सब में गुना कर लीजिए ताकि नॉर्मलाइज जाए, तो 12 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, 12 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 आएगा और 12 से गुना करेंगे इसको तो कितना आएगा, 4 आएगा। सबसे पहले हमने नॉर्मल कर लिया रेशियो को, उसके बाद क्या करेंगे देखिए, हमसे पूछा गया औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, जोड़िए सारा 5 4 9 3 12, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, पहले बार में दूरी जा रहा है 4 और स्पीड है 25 का, दूसरे बार में दूरी जा रहा है 3 और स्पीड है 30 का, जा रहा है 5 और स्पीड है 50 का। जब हम डिस्टेंस को स्पीड से भाग देंगे तभी तो टाइम निकलेगा, बस इसको निकाल के जोड़ दीजिए। देखिए 3 से 3 बार में कट जाएगा, 5 से ये तो नीचे आ गया, यहाँ पे देखिए ये ऊपर हो गया 1 1, यहाँ 10 और कटेगा भी नहीं, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 50, 25 2 4 2 8, यहाँ 10 5 50, 5 और यहाँ भी 5, तो 8 5 5 10 और 8 18, यानी यहाँ पे आएगा 18/50, 18/50 इस तरीके से। बाकी इसमें इसके बाद कोई काम नहीं है, आप इसे देखिए 6 2 12, 6 3 18, 50 का दुगना 100 को 3 से भाग दीजिएगा तो 33 पूर्णांक 1/3। ये इसको बनाने का सबसे बेस्ट टेक्निक है, आप रेशियो से बनाइए सबसे अच्छा रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के अगले सवालों की ओर। देखिए इस सवाल को देखिए कैसे में क्या है, इसमें दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि गोले का सर्फेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr² और 4πr² की वैल्यू 496 है, 4 से काटिए इसको, 416, 4 9 36, पाई से पाई को काट दीजिए, r बराबर कितना आ गया 7। अब आपसे पूछा गया है गोले का वॉल्यूम, गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आसानी से सवाल हल हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 π और r का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 3 4 3, बस आप 4 को इससे गुना कर दीजिए, आसानी से आंसर मार दीजिए, पाई में ही रखिएगा, पाई का वैल्यू पुट मत करिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। 10 नंबर सवाल, अलजेब्रा का बहुत ही सिंपल फॉर्मेट का सवाल है, आप जानते हैं कभी भी अगर माइनस का वैल्यू 6 और क्यूब का पूछे तो k का क्यूब 6 का क्यूब कीजिए 216 और +3 के इसी को 3 गुना कीजिए, बस इसके अलावा इसमें कोई काम नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है बेसिक लेवल का। ये देखिएगा क्वाड मास का बहुत हल्का सवाल है बाबू, बहुत सिंपल फॉर्मेट में सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि छोटी ब्रैकेट का काम कीजिए, 5 में से 2 गया कितना होगा 3, 5 में से 2 गया कितना होगा 3, इसके अलावा 3 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। अब ध्यान दीजिएगा मंझली ब्रैकेट में जब आप काम करेंगे, जब आप मंझली ब्रैकेट में काम करेंगे तब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 9 है और यहाँ 9 भागा 3 + 9 है, तो पहले 3 से 9 को भाग दीजिए कितना आएगा 3 और 9 3 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे कितना आ गया 12। अब ये नहीं कि माइनस कर दीजिएगा, नहीं पहले गुना होगा, जब 6 × 7 − 12 है तो पहले गुना होगा बाद में माइनस होगा, है ना बॉड मास का रूल, तो 6 × 7 = 42 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा बाबू 30 हो जाएगा। तो बॉड मास का सिंपल फॉर्मेट का सवाल है, बहुत ही सिंपल है, आराम से बन जाता है। इस सवाल को देखिए, लिखा यदि एक समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान इतना है तो इसकी भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या हमें नहीं पता लेकिन भुजाओं को अगर हम एन मान लें तो फॉर्मूला एग्जाम में जो आप यूज कर सकते हैं ये कि n − 2 × 180° / n, प्रत्येक अंतःकोण का यही फॉर्मूला होता है और बराबर में दिया हुआ है 144 डिग्री। लेकिन अभी भी एक बात यहाँ पे समझना है कि ये फॉर्मूला लगाकर तो बन जाएगा लेकिन इससे भी बढ़िया ऐसे बनेगा कि अगर अंतःकोण 144 का है, प्रत्येक अंतःकोण 144 का है तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने का होगा, इसको 180 से माइनस कर दीजिए 36,
किसी भी पॉलीगॉन के सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 360 होता है। खाली इसको भाग दे दीजिए और आंसर मार दीजिए। किसी भी पॉलीगॉन का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज, किसी भी पॉलीगॉन के बाह्य कोणों का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल को देखिए, इसमें दिया है कि कौन सा समीकरण इतना बराबर इतना के मानक रूप को निरूपित करता है, मानक रूप में स्टैंडर्ड वर्जन में इसको लाना है, इसमें से कौन सा मैच करेगा। सबसे पहले इसे देखकर तो बताना मुश्किल है कौन सा वर्जन मैच करेगा। इसका क्यूब किया जाए, पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब दो का क्यूब प्लस 3ab तीन दुनी एक्स और ए प्लस बी यानी एक्स प्लस, और अगर इधर गुना करेंगे तो इधर गुना होगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, बस इतना ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा आपको दिख जाएगा आंसर कितना होगा, देखने का प्रयास कीजिए। देखिए एक्स क्यूब से कट जाएगा। अच्छा एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में क्या आएगा, देखिए यहीं पे आएगा 6x², बाकी कहीं तो स्क्वायर नहीं आएगा। तो इन चार ऑप्शन में यहाँ पे तो होगा नहीं, यहाँ पे तो होगा नहीं, ये दो ऑप्शन गलत हो गए। अब दो ऑप्शन में से कौन सा सही है, अब 6x² यहाँ भी है और 6x² दोनों में है समझिए, तो अभी 11 होगा कि 13। एक्स वाला फॉर्मेट को चेक करिए, यहाँ पे एक्स आएगा तो 6 दुनी कितना आएगा 12x, और उधर से एक्स इस तरफ जब लाएंगे, उधर से एक्स जब इस तरफ लाएंगे तो 12 में एक जुट के कितना हो जाएगा 13x, यानी कंफर्म है कि यही वाला उत्तर होगा। तो इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट क्वेश्चन है, दिया है कि इन चार संख्याओं में से कौन सा संख्या है जो 2, 3, 5 से लगता है पूरा पूरा। तो भाग देने की जरूरत नहीं है सबको, आपको टेक्निक पहले से पता होगा अगर आपने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी टॉपिक पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, कोई बहुत हाई फाई टॉपिक नहीं होता, उसे गुजर जाइएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि अगर 2 और 3 और 5 तीनों से कटना है तो ये 2 लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है ये जो 2 है ये 5 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ 2 लिखा रहेगा तो 5 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि 5 से नहीं कट रहा है। इसके अलावा देखिए अगर यहाँ 5 लिखा रहेगा तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो हमको 2 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। अब ये दो ऑप्शन हो गया कि 2 और 5 से कटेंगे, क्योंकि 10 होगा तो 2 से भी कटेगा और 5 से भी। अब 3 से कटने का रूल क्या है, अंकों का योग, देख रहे हैं 4, 2, 6 और 2, 8 ये नहीं कटेगा क्योंकि इसका अंकों का योग कितना हो रहा है 8 हो रहा है, और अंकों का योग अगर 8 3 से नहीं कटता है तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगा, क्लियर है। तो एक ही ऑप्शन बचता है जो सभी से कटेगा, तो इस तरीके से ये सवाल बनाइए। चलिए सवाल को देखिए क्या लिखा है, लिखा है एक संख्या के 2 गुने में 52 के 3 गुने का, ध्यान दीजिएगा एक संख्या के 2 गुने में 52 का 3 गुना, 52 का 3 गुना मतलब 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 156 जोड़ने पर योगफल 342 है। फिर आपसे कह रहे हैं संख्या का 4 गुना 4 गुना में 52 का 2 गुना मतलब 2 × 4 = 2, 5 = 10 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो आपको यहां से x का मान निकालना होगा, यहां से x का मान कितना आएगा, देखिए अगर हम यहां से x का मान निकालें तो कितना होगा 6, 6, 12 यानी 6 घटा रहे हैं इसको, और यहां पे 3 में से 5 तो 8, 5, 13 और 2 में से 1 186 और 2 से अगर काटेंगे तो 2, 9, 18, 2, 3, 6, 93, क्लियर है। और यही 93 जब हम वहां पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए 4, 3, 12 का 2, 1, 4, 9, 36, 1, 37 और 140 में जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 478, 476, देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से यहां से आप एक्स का वैल्यू पुट करेंगे और वहां पे उसको प्लेस करके निकाल देंगे। देखिएगा बाबू आगे सवाल, ये टेबुलेशन का सवाल है, टीआई का बहुत आसान सवाल है। इसमें लिखा है गणित में हाईएस्ट मार्क्स, देखिएगा बाबू यहाँ लिखा है गणित का हाईएस्ट मार्क्स, अगर आप ध्यान दें तो साफ साफ यहाँ दिखाई देगा गणित में, और हाईएस्ट मार्क्स कितना है 85। फिर लिखा हुआ है हिंदी में न्यूनतम मार्क्स, तो हिंदी का मिनिमम मार्क्स देखिए, हिंदी का और मिनिमम मार्क्स कहने का मतलब कितना होगा 88 हाईएस्ट हो जाएगा 85, और पूछा गया है इसका औसत, इसको जोड़ के किसे भाग देना पड़ेगा 2 से, जब दोनों नंबर सेम ही है तो औसत क्या निकालना है, सेम ही आएगा, है ना आसान, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए, इस सवाल में दिया है कि 2 संख्याएं इतनी इतनी है और अगर इसका एक संख्या इतना तो दूसरा क्या होगा। अगर आप जानते हैं तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है कि लसा गुने मसा बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या, तो अगर लसा और मसा दिया है तो इन दोनों को गुना करके केवल इसे भाग देने की जरूरत है 51 से, तो 3 से कट जाएगा 17 बार में, 17 से तो काट लीजिए, देखिए काट के 17 से कितने बार में कट जाएगा 27 बार में आराम से कट जाएगा, 17 × 2 = 34 कट भी रहा है, ऑप्शन देख सकते हैं आराम से आप मिला सकते हैं। ठीक है आज के आखिरी क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया है एक लड़का अकेले किसी काम को 10 दिन में करता है जबकि दोस्त के साथ करता है तो 6 दिन में, तो उसका दोस्त अकेले कितने दिन में कर देगा। तो इस सवाल को आप डायरेक्टली बना सकते हैं, इसमें एलसीएम लेने की जो है नहीं आसान है, 10 × 6 = 60 ऊपर और 10 × 6 का अंतर नीचे, काट दीजिए और आसानी से इसका आंसर मार दीजिए। इसी तरह के ट्रिक्स और टेक्निक सीखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय ऑल ऑफ यू।